गोला में ये रामगढ़ में दारू मुर्गा ज्यादा चलता है सुनने में आता है। देखिए दारू मुर्गा सब जगह चलता है, लेकिन दारू मुर्गा क्या है कि बंद नहीं होगा। हमें अपना पैसा से हम लोग सब, और हम लोग जो अभी 3 दिन से, अभी 4 दिन से लगभग सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 1 बजे तक हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गलत करने वाले सब मजा लेते हैं, और सही का जो यानी किसी प्रकार से आवाज उठते हैं तो उनको सजा मिल जाता है। नमस्कार जोहार, अभी मैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में हूँ, और ये हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं, और रामगढ़ से पतरातू वाला रोड में 4 लेन पे मैं अभी खड़ा हूँ। अभी यहाँ पंचायत विस्तार कर रहे हैं, पंचायत दौरा कर रहे हैं संजय मेहता। यहाँ हजारीबाग लोकसभा से संजय मेहता JLKM जयराम महतो की पार्टी से उम्मीदवार हैं, और ये जयराम महतो के समर्थक है। टी शर्ट आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर फोटो जयराम महतो की लगाकर, और गाड़ी में भी फोटो माला स्वागत में मिल जाता है। बाकी बाजा के साथ गांव गांव नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि संजय मेहता किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है। यहाँ JP पटेल भी आ रहे हैं और मनीष जायसवाल भी आ रहे हैं। किसकी कितनी पकड़ है इस बार 2024 में हजारीबाग लोकसभा में, कैसे लोग बनेंगे सांसद? जोहार जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा पिंटू कुमार। टी शर्ट वा कहाँ से बनाया जी? टी शर्ट ये तो हम लोग मंगाए हैं, मतलब हजारीबाग से मंगवाए थे। मेरा मतलब पैसा ऐसा भेज दिया था? नहीं नहीं, अपना पैसा से हम लोग सब, और हम लोग जो अभी 3 दिन से, अभी 4 दिन से लगभग सुबह 7 बजे निकलते हैं, रात को 1 बजे तक हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पिछले लोग का देख रहे हैं, जिस तरह हम लोग गाँव गाँव टोला टोला पूरा जगह जगह पे पहुँच के हम लोग आदमी को जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हम लोग का ये जयराम महतो का पार्टी जो है, ये हम लोग का पूरा झारखंड हित के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको बढ़ चढ़ के हम लोग को सपोर्ट करना है, और आने वाला भविष्य और हम लोग का आने वाला बाल बच्चा का जनरेशन को सुधारना है। और जो डोर टू डोर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बिना खाए पिए भूखे प्यासे अपना तेल पानी लगा के हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं। आज हम लोग 4th दिन ये हम लोग बड़का गाँव आ गए हैं, और हम लोग पूरा अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं तो अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। जितना भी जगह चारों प्रखंड में हम लोग गए, चारों जगह अच्छा मतलब रिस्पांस मिला, और सब जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हम लोग के जाति के हैं, सभी समुदाय के लोग हम लोग को जुड़े हुए हैं, और सबका हम लोग का समर्थन मिल रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम है? मेरा सूरज मुंडा नाम है। हाँ जी, भाषा आंदोलन में देखे थे, जयराम महतो के पास आए थे, आज अभी तक उसके साथ जुड़ रहे हैं? बिल्कुल। कितना लाभ कितना कमाए हैं? कौन से कमाएंगे? पार्टी में जुड़े हैं जी। जयराम दा तो प्याज बारिश उठा के लाए हैं, तैयार किए हैं हम लोग। हाँ तो अभी लोग तैयार। हाँ, प्याज बारी में प्याज कोड़ रहे थे, हलुआ बारिश से हलुआ कोड़ रहे थे, तो देखे कि टैलेंट है झारखंड का, इनको देखे उनका दिखा दिया उनको कि ये झारखंड का बदलाव कर सकते हैं, तो हम लोग उनको खड़ा किए और बोले दादा आगे आगे चलिए, हम लोग पीछे पीछे है। और आज जो है सो कि पानी न देखे न धूप देखे, एकदम जोश में कूद पड़े हैं। कितना दिन से घूम रहे हैं हजारीबाग लोकसभा? 2.5 साल से जब शुरू से ये लोकसभा का काम कर रहा है, यही तो मतलब काम तो पड़े करते हैं, पड़े कर रहे हैं संगठन पार्टी के लिए। हाँ बिल्कुल, अपने पैसे से। हाँ, पूरा निछावर है अपना पैसा, कौन देता है? कोई सबके भीख मांगा है, कौन देगा? अभी भात ऋण का है, भात ऋण का छोड़ के है, और जयराम दा के लिए पूरा समर्पित है, पूरा समर्पित कर दिया। जीत पाएगा? अरे भाई देखे, जीत हार तो परीक्षा में जाएंगे तब लिखेंगे, तब ना वो तो खैर अलग चीज, मगर हाँ विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, माहौल तो पूरा अच्छा है। और भी लोग हैं। क्या नाम है? त्रिभुवन महतो। कहाँ से है? भोला से। कैसा माहौल दिख रहा है? जबरदस्त माहौल दिख रहा है, सिर्फ JBKCS का ही तो माहौल दिख रहा है। तो क्या JP पटेल टेकलाल महतो झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है जी, उनका भी मार्केट है? देखिए यहाँ नेता का जरूरत नहीं है, झारखंड में बढ़िया नीति चाहिए। नेता कितना दिन साथ देगा जी? नेता 20 से 25 साल रहेगा, लेकिन बढ़िया नीति बन जाएगा झारखंड के लिए तो बाल बच्चा नाती पोता सबका साथ देगा। तो आज झारखंड में क्या है कि बढ़िया नेता का जरूरत नहीं है, बढ़िया नीति का जरूरत है। यहाँ तो नेता आता है लेकिन नीति कोई इन्हें अच्छा से अभी तक बना ही नहीं पाया है। तो क्या है कि ये संविधान के बात लोग करते हैं लेकिन कोई भी विधान बनाता ही नहीं, संविधान है ही नहीं। यानी संविधान मतलब सबके लिए बराबर विधान होना चाहिए, लेकिन यहाँ चलता है बहु विधान, यानी गरीब लोग के लिए अलग विधान है और अमीर लोग के लिए अलग विधान। देखता है कि जो चोर है उन लोग बेल में घूमते हैं, और शरीफ लोग क्या है कि अभी जेल में है। तो क्या है कि
हमारा जो है सरकार है, जो भी नेता बने झारखंड में, कोई भी अच्छा नीति नहीं बनाए, ऐसा नीति है कि कहना ही नहीं। और जो सरकार में जो चल रहा है, हम लोग का जो सरकारी काम जितना भी है सब फेल है, तो कैसे कहेंगे कि आज तक जितना नेता हुए हैं सब ठीक हुए हैं। पहला यदि हम लोग का खाने पीने के बाद यदि देखा जाए तो सबसे पहले आता है कि नहीं हम लोग का क्या है कि शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा व्यवस्था जितना भी सरकारी चल रहा है, कोई भी सरकारी स्कूल से जितना भी गार्जियन है कोई खुश नहीं है। तो क्या क्या शिक्षा व्यवस्था फेल है, जो कि कितना विभाग लगा रहता है सरकारी स्कूल में, कितना इंस्पेक्टर लगा हुआ रहता है, कितना शिक्षा मंत्री रहते हैं, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल का कोई एक प्रिंसिपल इतना अच्छा से चलाता है कि कहना ही नहीं। उसके बाद रहा शिक्षा व्यवस्था के बाद कुछ रहा तो चिकित्सा व्यवस्था, यदि किसी भी प्रकार से आज हमारा कुछ होता है, दुखद समस्या होता है, तो आज हमें क्या बता रहे, सरकारी हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार से इलाज नहीं हो रहा है। आज एक झोला छाप का डॉक्टर हमें ठीक से इलाज कर पाता है, लेकिन बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के बाद भी हमें किसी प्रकार का इलाज नहीं हो पाता है। तेरा मतलब क्या करेगा, इसे बदल देगा? देखिए ये तो बदल जाएगा, नहीं बदलेगा नहीं, जब तक ये जब तक क्या है कि दंड व्यवस्था टाइट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखिए दूसरे देश में क्या है कि दंड व्यवस्था टाइट है, किसी भी प्रकार से यानी कोई गलती करता है तो वहाँ क्या है कि माफ नहीं किया जाता है, वहाँ सजा मिलता है, लेकिन यहाँ क्या करता है कि गलत करने वाले सब मजा लेते हैं और सही का क्या जो यानी किसी प्रकार से आवाज उठते हैं तो उनको सजा मिल जाता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि आज जो भी गलत काम हो रहा है तो उसका क्या है कि एक आवाज है जयराम महतो, किसी भी पार्टी का ये नहीं है, ना पहले था ना अभी है। जब किसी भी प्रकार से सुना नहीं गया तो अंतिम में क्या है कि सारे लोग ये किए कि नहीं अब क्या है कि हमें चुनाव भी लड़ना होगा, सब तरह से लड़े। सुनिए ना, गोला में ये रामगढ़ में दारू मुर्गा ज्यादा चलता है सुनने में आता है। देखिए दारू मुर्गा सब जगह चलता है, लेकिन दारू मुर्गा क्या है कि बंद नहीं होगा, हम लोग का कहने से भी नहीं होगा, जब तक ऊपर से क्या है नेता लोग के द्वारा जब तक ये नहीं किया जाता है, राज्य के द्वारा जब तक उसको टाइट नहीं किया जाता है, जब तक किसी भी चीज का डर नहीं लगेगा तब तक ये सब करते रहेंगे। और भी है आंदोलन में जरा मतलब साथ रामगढ़ जिला में रहते हैं काजी संजय महतक, जीता दीजिएगा। हाँ एकदम बिल्कुल, डोर क्या माहौल लग रहा है हजारीबाग लोकसभा में? डोर टू डोर तो अभी रामगढ़ जिला में लगे हुए हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं लोग, गांव गांव घूमते क्या बोलते हैं कि संजय महतक वोट देंगे? कि संजय मेहता को ही बिल्कुल जगह जगह डोर टू डोर जा रहे हैं तो संजय मेहता का ही माहौल बन रहा है हम लोग। खर्चा पानी भी गांव गांव दे रहे हैं कि खाली ऐसे घूम रहे हैं? नहीं खर्चा पानी कुछ नहीं, सुख सब हम लोग अपना स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। और क्या देगा फिर वोट आप? क्योंकि हम लोग को आज 23-24 साल से झारखंड ठगा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जयराम दादा के नेतृत्व से जो है कि हम लोग का झारखंड में 325 करोड़ पब्लिक के पास जो है कि जयराम दादा का विचारधारा पब्लिक पास पहुंच रहे हैं, उसी की वजह से हम लोग सोचे हैं अब कि 60-40 नीति आया उसमें हम लोग रोड जाम किए और विधानसभा घेराव किए, लेकिन हम लोग को कहीं कुछ सुनवाई नहीं आया। तो हम लोग सोचे कि अब भाई चुनाव ही एक लास्ट ऑप्शन है, चुनाव के बाद जो है कि हम लोग दिल्ली तक अपना आवाज़ को रखेंगे और दिल्ली के बाद फिर हम लोग चुनाव आएगा तो हम लोग अपना संसद भवन तक ले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये लोग रामगढ़ जिला के लोग हैं। मैं बता दूं कि रामगढ़ जिला में जयराम महतो जैसे आते हैं बहुत भयानक जनसैलाब आता है। ये देख रहे हैं अपने पैसे से टी शर्ट छपवाना, गाड़ी में पूरा जेबी केसेस का प्रचार करना, पार्टी का प्रचार करना, जयराम महतो सिर्फ एक चिंगारी बन के उभरे हैं और ये लोग साथ दिए और अभी जनसैलाब एक आंदोलन पार्टी का परिवर्तन हो गया और ये पूरे झारखंड में एक पहचान बना लिया और ये लोग गांव गांव डोर टू डोर वोट मांग रहे हैं। जयराम महतो गिरडी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ और 7 प्रत्याशी अलग अलग जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग प्रचार में जुड़े हैं। इन लोगों से रूबरू करवाए कैसा विचार रहा है, जरूर बताए। जोहार जय झारखंड।